अब देखो प्रोसीजर फॉर आर बार, आर बार यानी कि हमारा जो रेंज चार्ट है, सेकंड हमारा आर चार्ट है ना हमारा, तो उसके लिए प्रोसीजर देखो। रेंज चार्ट, रेंज चार्ट में हम सबसे पहले आर बार देखो कैसे निकालते हैं। अब आर क्या होती है, आर हमारी होती है रेंज। ये वैसे आपका पिछले सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आया भी होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो। आर किस तरीके से निकलती है, आर होती है रेंज के लिए। और रेंज कैसे निकलती है, आपको जो सैंपल दिया जाता है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू की सब्ट्रैक्शन, बड़े में से अगर छोटी वैल्यू घटाएं तो वो उस सैंपल का क्या निकल आता है, रेंज। तो हमें क्या करना है, वही इसी तरीके से जैसे कि हमें सैंपल दे रखा, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा, सब ने अपनी अपनी रेंज निकालनी है। जैसे पहला सैंपल है तो इसमें देखेंगे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू कौन सी है, उन दोनों को घटा देंगे आर वन आ जाएगा। फिर दूसरे सैंपल में देखेंगे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू कौन है, आर टू निकाल लेंगे। इसी तरह से तीसरे में से आर थ्री निकालेंगे, इसे चलते 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 लास्ट वाली में से आर के निकालेंगे। जितनी भी होंगी, 10 होंगी तो 8 10 हो जाएगा, ठीक है। अब रेंज निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि मीन का तो आता था, मैंने मीन का बताया नहीं, सबको ऐड कर दो उसी से, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से। और रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस में स्मॉलेस्ट वैल्यू, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेंज। ओके, एल इज लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। इंडिविजुअली हमने क्या निकाली, रेंज। देखो लिखा हुआ है फर्स्टली फाइंड इंडिविजुअली रेंज, ठीक है। अब जब रेंज निकल गई, जैसे पिछली बार मीन चार्ट था तो पहले सबके मीन निकाले, फिर मीन्स का मीन निकाला, तो अब समझ गए होंगे रेंज की क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो रेंज का मीन कैसे निकलेगा, सारी रेंज को जोड़ दो और फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो। सेकेंड स्टेप भी हो गया, क्लियर हो गया। जैसे उसका पहला स्टेप क्या था, पहले इंडिविजुअली मीन निकालो, फिर मीन्स का मीन निकालो, अब क्या था इंडिविजुअली रेंज निकालो, रेंजेस का मीन निकालो। मीन आपको पता है सबका टोटल बाय में दिस। अब आर बार, आर बार हमारा क्या होगा, सेंट्रल लाइन आर हमारी, क्योंकि देखो मीन चार्ट था तो सेंट्रल लाइन थी एक्स डबल बार। वो डबल बार इसलिए आया था क्योंकि मीन का मीन था, ठीक है। ये क्या है, रेंज का मीन, आर बार, इसलिए यहाँ डबल नहीं आएगा, यहाँ एक ही आएगा। तो आर बार हमारी किस चीज़ को शो कर रही है, रेंज चार्ट में सीएल को। अब फॉर्मूले क्या हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने की, वो देखो। हमारे पास टू टाइप के यहाँ पर फॉर्मूले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर। अगर कंट्रोल फैक्टर आपका D3 और D4 गिवन हो और आर बार गिवन हो, आर बार तो होगा ही क्योंकि रेंज चार्ट है, दैट मीन्स D3 और D4 गिवन हो। तो इधर UCL का फॉर्मूला क्या है, अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा लर्न करने की ट्रिक बनाते हैं। D3 और D4 बड़ा कौन है, 3 या 4? 4, तो अपर वाले को 4 देना है, छोटे वाले को 3 देना है। लर्न भी हो गया, और दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्लियर। फर्स्ट हो गया, अगर हमारा क्वालिटी कंट्रोल D3 और D4 हो तो अपर कंट्रोल लिमिट में D4 की आर बार से मल्टीप्लाई और LCL में D3 की आर बार से मल्टीप्लाई। चलो D3 हमारा क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर है, D4 भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर है। दिस इज़ आवर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। नाउ सेकंड फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स D1 D2, अगर D1 D2 गिवन हो। अब फिर से, अच्छा, D1 D2 के साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिला हुआ है, ठीक है, आर बार नहीं मिला हुआ। अब फिर से मैंने अभी आपको बताया ना, 1 और 2 में से कौन बड़ा है, 2 इज़ ग्रेटर, सो UCL को D2 देंगे, LCL को D1 देंगे। लर्न भी हो गया, D2 के सिग्मा से मल्टीप्लाई तो अपर कंट्रोल लिमिट, D1 के सिग्मा से मल्टीप्लाई तो लोअर कंट्रोल लिमिट, क्लियर।